ना मिलने पर डॉक्टरों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना के समय से ही नहीं मिली है उन्हें सैलरी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पतालों में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल आज जंतर मंतर तक पहुंच गई। डॉक्टरों ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पिछले कुछ समय से हिंदूराव हॉस्पिटल कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इन डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें सैलरी दी जाए जो पिछले 4 महीने से नहीं दी गई। आज के प्रदर्शन में 4 अस्पताल के डॉक्टर शामिल हुए। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। डॉक्टरों का कहना है 2016 से उन्हें अरे भी नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था। लोगों का कहना है उनकी मांग बस ये है कि उन्हें सैलरी समय पर दी जाए। कोविड के दौरान लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर रहे ये डॉक्टर पिछले कुछ समय से हड़ताल कर रहे हैं। इन डॉक्टरों का कहना है हमने जिस प्रकार महामारी के दौरान लगातार 24 घंटे तक काम किया है लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही इससे मजबूर होकर हमें हड़ताल करनी पड़ी है। डॉक्टरों का कहना है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह संपूर्ण हड़ताल करेंगे। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। डॉक्टर सबिता, हमें 4 महीना हो गया है आज की तारीख में। जब हमने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था तब हम 3 महीने की सैलरी अपनी मांग रहे थे क्योंकि तब 3 महीना ही हुआ था, तब हमारा 4th महीना चल रहा था। बट आज की तारीख में अब हमारा 4th महीना भी पूरा हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मांगे तो गलत है ही नहीं। सरकार जवाब भी तो नहीं दे रही है, इसलिए तो आज तक हमें अपनी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना पड़ा। अगर सरकार हमें आश्वासन दे दे कि आपकी सैलरी हम रिलीज कर देंगे, तुरंत कर देंगे, तो हमें कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो अभी भी काम करने के लिए तैयार है, बट हमें हमारी सैलरी पहले चाहिए। अब हमें आश्वासन भी नहीं मिल रहा है, हमें कोई कारण ही नहीं बताया जा रहा है ना, यही तो प्रॉब्लम है। और कुछ भी हो, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी रिस्क पे लगा के 3 महीने काम कर रहा है कोविड में, जब सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, जब सरकार बोल रही है कि घर के अंदर रहो, हम अपनी जिंदगी रिस्क करके, मैं हूँ जो मैं पॉजिटिव होके मैं रिकवर हो चुकी हूँ, फिर भी हमने काम किया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमने काम छोड़ दिया, अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, हम फिर भी काम कर रहे हैं। उसमें आप अपने डॉक्टर्स को अगर सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो क्या फिर क्या कर सकते हैं? अभी तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डॉक्टर्स ही होने, वही तो है कहाँ। पहले तो पहले शुरुआती महीनों में तो मांग लिया, इधर उधर से मांग लिया, अब तो मांग के भी हम थक गए। अब किससे मांगे? मैं अब चाइनी से हूँ और यहाँ पर कस्तूरबा के और दीचंद बंधु के लोग इधर आए हुए हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार प्रसाद, आरडीए प्रेसिडेंट कस्तूरबा हॉस्पिटल। देखिए, हमारी मांग कोई स्पेशल नहीं है, सिंपल है कि हमारी सैलरी जो है पिछले चार पाँच सालों से हम लोग ये सिंपल सा इशू रहा है कि सैलरी टाइम से आना चाहिए, तो इस इशू का जो परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। तो हम लोग चाहते हैं कि सब परमानेंट सोल्यूशन हो। हमारे पास दिल्ली सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, MCD भी है, सबको हम लोग ही चुनते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अलग अलग उसके वोटर्स नहीं है, एक ही वोटर्स उनको चुनते हैं और खुद के लिए चुनते हैं। लेकिन इस बात का अफसोस है कि हम लोगों का जो इशू है उस पर परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला गया। तो हम लोग सिंपल से डिमांड है इसका परमानेंट सोल्यूशन हो, और फंड की जो कमी है MCD के पास वो भी मजबूर है, MCD भी मजबूर है, तो इसका फंड का जो फंड की कमी, वो फंड कहाँ से आएगा? तो इस पर काम होना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, जो भी फंड का इशू है इसका काम होना चाहिए। ये हमारे नॉर्थ MCD के कस्तूरबा हॉस्पिटल, हिंदूराव हॉस्पिटल, गिरधारी लाल और राजन बाबू हॉस्पिटल। जी सारे नॉर्थ MCD अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और बाकी दूसरे अस्पताल के डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं। देखिए, ये तो हम लोग चाहते हैं कि तुरंत खत्म हो जाए, हम लोग मजबूरन जंतर मंतर बैठने यहाँ आना पड़ा है। हमारा काम यहाँ खड़ा होना नहीं है, ये हमारा काम तो हॉस्पिटल में है, लेकिन जितना जल्दी इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलता हम लोग अपने काम पे लौटेंगे। हम लोग कोई स्पेशल डिमांड नहीं, हालांकि हमारा बकाया बहुत है जो एरियर नहीं मिला से उन पे कमीशन का, लेकिन वो तो मांग भी नहीं रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी है, लेकिन कम से कम बेसिक सैलरी तो मिलना चाहिए ना, हम लोग बिना सैलरी के कैसे सर्वाइव कर सकते हैं दिल्ली में।